Hey everyone, मैं हूँ ज्योति, just another girl. Thanks for stopping by. आज के वीडियो में मैं आपके लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के लिए. आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं उसके बारे में. मुझे थोड़ी देर हो गई ये वीडियो लाने में क्योंकि मैं आप सबको बेस्ट होम रेमेडी देना चाहती थी और वो प्रॉब्लम है झाइयों की. बहुत सारे लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम होती है. झाइयाँ कई सारे रीजन से हो सकती है, जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस. कई प्रेग्नेंट औरतों को झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है प्रेगनेंसी के समय. सन एक्सपोजर, सनस्क्रीन का ना यूज करना, तो देर आर लॉट ऑफ रीजन जिनकी वजह से झाइयाँ हो जाती हैं. बट फिकर नॉट, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी होम रेमेडी लेके आई हूँ, अमेजिंग सी होम रेमेडी जिसे यूज करने से आपकी झाइयाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी. मैं आपसे कोई भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करूंगी कि मेरी रेमेडी यूज करके दो दिन, तीन दिन में या एक हफ्ते में आपकी झाइयाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी, रातों रात आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी. मैं आपसे ऐसे कोई भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आज के वीडियो में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करने जा रही हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट्स 100% नेचुरल हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को असर दिखाने में, काम करने में थोड़ा टाइम लगता है. बट उनके रेगुलर यूज से आप वो असर दिखाते हैं, वो आपकी स्किन को क्लियर भी करते हैं. तो मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आप दो दिन यूज करें आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, बट इस रेमेडी को आप दो तीन हफ्ते रेगुलर यूज करिए और आपको डेफिनेटली झाइयों में कमी नजर आएगी. और अगर आप इसे एक से दो महीने रेगुलर यूज करेंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगी. तो आइए, हमें ज्यादा बातें नहीं करते और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ. इस रेमेडी के लिए हमें क्लीन मिक्सिंग बोल में एक चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर लेंगे. यहाँ पे मैंने रेडीमेड नीम की पत्तियों का पाउडर लिया है. अगर आपको रेडीमेड पाउडर नहीं मिलता है तो आप नीम की पत्तियाँ तोड़ के उसे धो के उसे धूप में सुखा के पीस के उसका पाउडर बना लें और आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप ये वाला पाउडर लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस यानी लेमन जूस मिलाएंगे और एक चम्मच एलोवेरा जेल. यहाँ पे मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ. आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल या फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं. अब इन तीनों चीजों को मिक्स करके इसका एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट बना लें. इसे लगाने के लिए आप पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें और उसे सुखा के इस पेस्ट को अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगाएं और लगाने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. 30 मिनट बाद अपने फेस को ठंडे पानी से धो लें और आप इसे कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार लगाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी डिफरेंस नज़र आए. और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये पेस्ट रात को सोने से पहले लगाएं ताकि इस पेस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके. सो आई होप कि आपको मेरी ये रेमेडी यूजफुल लगी होगी और पसंद आई होगी. और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स जिनको झाइयों की प्रॉब्लम है. और यहाँ से जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए ताकि आगे से आप मेरे इस तरीके के कोई भी वीडियोस को मिस ना करें. तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चीयर्स.